हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग गैलेरकिन मेथड और पेट्रोगैलेरकिन मेथड, ये दोनों मेथड यूज़ करके ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन दिया है, इसका ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट दिया है, ये अपर लिमिट या लोअर लिमिट, और यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस दिया है, दिस एंड दिस, और यहाँ पे फाइंड आउट करने बोला है यूजिंग दिस मेथड्स। जब ये एक्स ये रहेगा तो वाई क्या रहेगा, जब एक्स ये रहेगा तो वाई क्या रहेगा। सो वो लास्ट है, सो पहले तो बाउंड्री कंडीशंस दिया है तो वो पहले कर लेते हैं। सो पहले ये बोला है कि यहाँ पे y ऑफ ज़ीरो इक्वल टू वन, तो इसका मतलब क्या रहता है, यहाँ पे ये ज़ीरो क्या है, ये x है। सो x इक्वल टू ज़ीरो रहेगा तो y इक्वल टू वन रहेगा, तो यही इसका बाउंड्री कंडीशंस का यूज़ है। और यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू वन है तो y इक्वल टू क्या है, टू है, तो ये सेकेंड बाउंड्री कंडीशन है। सो पहले वाला हम लोग यहाँ पे वन और टू निकाल लिया, तो अभी पहले ये क्वेश्चन क्या करना है, इसको पहले देखना है कि यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट्स है सब एक साइड है, मतलब पूरा टर्म एक ही साइड रहना चाहिए इक्वल टू ज़ीरो। अगर नहीं रहता है तो कुछ कॉन्स्टेंट ये साइड रहता है तो उसको ये साइड लेके आएंगे, इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे। तो यहाँ पे तो सब एक ही साइड है, इक्वल टू ज़ीरो है। सो अभी करना क्या है, पहले तो ऑर्डर लिख देंगे। सो ऑर्डर दैट इज़ एन इक्वल टू कितना है, सो यहाँ पे डिग्री क्या है, टू है, सो ऑर्डर एन टू है। तो उसके बाद में यहाँ पे आता है पॉलिनोमियल, सो पॉलिनोमियल क्या रहता है, एन प्लस वन, सो दैट इज़ थ्री। एंड देन पैरामीटर्स, पैरामीटर एन प्लस टू फोर, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल जो रहेगा वो अपना ये रहता है, वाई इक्वल टू सी ज़ीरो प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी थ्री एक्स क्यूब, ऐसे ही जाते रहता है। लेकिन हमने यहाँ पे पॉलिनोमियल निकाला तो यहाँ पे थ्री तक आया, सो दैट इज़ एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो इतना ही निकालना है आपको, ये फॉर्मूला है। और यहाँ पे ये जो पैरामीटर्स है कॉन्स्टेंट्स, दैट इज़ चार आया, वन टू थ्री फोर, तो हो गया बराबर ये सेकेंड ऑर्डर के लिए। अगर ऑर्डर थ्री रहता तो क्या होता था, यहाँ पे एन प्लस वन फोर हो जाता था, यहाँ पे फाइव हो जाता था, तो उसके हिसाब से यहाँ पे फोर होता तो प्लस एक्स रेस टू फोर आ जाता था और यहाँ पे कॉन्स्टेंट फाइव हो जाते थे। तो अभी यहाँ पे बस इतना ही है, वाई का ये लिख दिया ऑर्डर टू के लिए। सो इसको इक्वेशन नंबर दे सकते हैं छः, तो वन। उसके बाद क्या करना है हमको, यहाँ पे जो बाउंड्री कंडीशन दिया है तो ये पहले अप्लाई कर देंगे। सो एक्स इक्वल टू ज़ीरो, वाई इक्वल टू वन, सो यहाँ पे जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ज़ीरो पुट कर देंगे और वाई की जगह पे वन। सो यहाँ पे क्या होता है, सी ज़ीरो प्लस, यहाँ पे एक्स रेश टू ज़ीरो था तो इसलिए यहाँ पे एनीथिंग रेश टू ज़ीरो वन होता है, तो इसलिए यहाँ पे सी ज़ीरो है और ये सी वन, और एक्स क्या है, बाउंड्री कंडीशन ज़ीरो है तो ये ज़ीरो, तो ये तो ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। सो बचा क्या, सी ज़ीरो का वैल्यू मिल गया वन। एंड देन इसको भी एक नंबरिंग दे देंगे, एग्जाम्पल टू दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। फिर उसके बाद में क्या करना है, वापस से बाउंड्री कंडीशन दूसरा वाला जो है x इक्वल टू वन वाई इक्वल टू टू, तो उसको पुट करेंगे वन में, तो क्या होगा, वाई इक्वल टू टू एक्स इक्वल टू वन है, तो सी ज़ीरो प्लस वन है ना, तो सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। अभी इसका वैल्यू तो वन निकला है तो यहाँ पे वन डाल देता हूँ मैं, सो बाकी सब सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, सो ये वैसे ही है। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो सर जाएगा, सो टू माइनस वन वन हो गया, सी वन को एक ही साइड रखो, बाकी सबको एक साइड में लेके आ जाओ, तो क्या होगा, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, सी वन इक्वल टू ये साइड गया तो माइनस सी टू माइनस सी थ्री, और वो साइड जो था प्लस वन, उसको वैसे लिख दिया, कैंसिल आउट हो गया। सो ये एक मिल गया सी वन, सो इसको इक्वेशन नंबर थ्री दे देता हूँ। सो अभी यहाँ पे जो मिला है सी ज़ीरो और सी वन का वैल्यू, ये दोनों को हम यहाँ पे पुट करेंगे वन में, तो इधर और इधर पुट कर देंगे तो y का नया आएगा, सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, c0 क्या है वन, तो उसको पुट किया, प्लस c1 क्या है, ये जो वैल्यू है, सो बड़ा ब्रैकेट डाला, माइनस c2 माइनस c3 प्लस वन ब्रैकेट क्लोज x प्लस c2 एक्स स्क्वायर प्लस c3 एक्स क्यूब, सो इसको मैंने लिख दिया। सो अभी क्या करेंगे, ब्रैकेट ये एक्स जाएगा, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा और इसको भी जाएगा, सो यहाँ पे वाई वन ये जो है माइनस सी टू एक्स माइनस सी थ्री एक्स एंड देन प्लस एक्स प्लस सी टू
एक्स स्क्वायर प्लस सी थ्री एक्स क्यूब, उसको लिख दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे, y इक्वल टू ये जो सी टू है इसको कॉमन लेता हूँ तो क्या होगा, माइनस ये x ये वाला हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे सी टू कहाँ पे, ये सी टू कॉमन लिया तो क्या हुआ, अंदर प्लस एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस सी थ्री कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस x एंड देन ये, सो प्लस एक्स रेस टू थ्री, सो ये भी हो गया, ये हो गया। उसका जो बचा है उसको मैं लिख देता हूँ, दैट इज़ प्लस एक्स और प्लस वन, ये जो बाहर है। सो ये वाई हो गया आपका यहाँ तक। वाई मिलने के बाद क्या करना है आपको, डिफ्रेंशिएट करेंगे सो वाई को, सो डी वाई बाई डी एक्स एक बार करेंगे तो क्या होगा, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो इसका क्या होगा, वन हो जाएगा प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस सी थ्री माइनस वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन, और डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट जीरो हो जाता है सो यहाँ पे प्लस जीरो। उसके बाद इसको वापस से एक बार डेरिवेटिव करेंगे, सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या है सी टू वैसे ही रहेगा कॉन्स्टेंट, अभी ये तो जीरो हो जाएगा तो प्लस टू एक्स, एक्स वन हो जाएगा प्लस सी थ्री, ये कॉन्स्टेंट हो गया तो ये क्या हुआ, थ्री टू सिक्स एक्स, तो ये भी गया। तो यहाँ पे मिल गया ये फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, ये सब मिलने के बाद में इसको पुट करना है कहाँ पे, ये जो क्वेश्चन था ना आपका ऊपर यहाँ पे सेकंड ऑर्डर जो है इसका वैल्यू हमने निकाला है अभी लास्ट, और यहाँ पे इसका डी वाई बाई डी एक्स का भी हमने अभी निकाला है यहाँ पे, तो इसको पुट कर देंगे। सो ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया, सो अभी इसका रेसिड्यू क्या रहेगा, दैट इज़ आर इक्वल टू, ये जो है इसको वैसे ही लिखना है थ्री, अभी यहाँ पे ये जो है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसका वैल्यू मैंने निकाला था यहाँ पे, इसको वैसे ही पुट कर देंगे वहाँ पे, सी टू इंटू टू प्लस सी थ्री सिक्स एक्स, तो इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया इसका वैल्यू। फिर उसके बाद क्या आएगा, माइनस डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका भी वैल्यूज निकाला था जो, तो ये आ जाएगा वहाँ पे। सो यहाँ मैंने लिख दिया डी वाई का डी वाई बाई डी एक्स, देन उसके बाद में यहाँ पे प्लस एट हो गया, तो यहाँ तक लिख दिया। उसके बाद में क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सो आर इक्वल टू क्या है यहाँ पे, ये थ्री पूरा अंदर जाएगा इसको, ये ब्रैकेट को, सो वो कर देंगे यहाँ पे, थ्री टू ज़ा सिक्स हो गया, और यहाँ पे सिक्स थ्री ज़ा एटीन हो गया, सिक्स सी टू प्लस एटीन सी थ्री एक्स, और यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस सबको जाएगा अंदर, सो पहले तो ये माइनस को वैसे ही रखता हूँ मैं, और ये ब्रैकेट सॉल्व करता हूँ, सो अंदर जाएगा तो क्या होगा, माइनस सी टू प्लस टू सी टू एक्स एंड देन माइनस सी थ्री प्लस थ्री सी थ्री एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस वन प्लस एट। सो अभी ये ब्रैकेट को वापस सॉल्व करना पड़ेगा मेरे को, सो आर इक्वल टू सिक्स सी टू प्लस एटीन सी थ्री एक्स, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो गया C2 टू माइनस टू सी टू एक्स प्लस सी थ्री माइनस थ्री सी थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एट। तो अभी वापस से सॉल्व होगा, R इक्वल टू, अभी यहाँ पे C2 को मैं कॉमन ले रहा हूँ तो बचता गया यहाँ पे सिक्स, देन C2 का यहाँ पे एक टर्म है सो प्लस वन, ये भी गया। उसके बाद यहाँ पे गए माइनस टू एक्स एंड देन इतना ही है, सो ये सी टू का हो गया। सो उसके बाद प्लस सी थ्री लिखता हूँ मैं, सो सी थ्री का क्या है यहाँ पे एटीन एक्स, सो ये हो गया। उसके बाद में प्लस ये वन, उसके बाद में माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, तो इतना हो गया। उसके बाद में ये सॉल्व हो जाएगा प्लस सेवन, एट माइनस वन किया, फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, ये सिक्स प्लस वन सेवन, बाकी यहाँ पे कुछ हो रहा नहीं है। सो ये हो गया R, रेसिड्यू मिल गया, सो इसको भी एक इक्वेशन दे देंगे आप, R तक निकल गया। इसके बाद क्या करना है आप, सो उसके बाद में ये फॉर्मूला है द वेटेड इंटीग्रल फॉर्म, सो इंटीग्रेशन लगाना है आपको, डब्ल्यू आई आर डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। सो अभी यहाँ पे ये जो R है ये हमने अभी निकाला है, ये इक्वेशन दे दिया मैंने, तो वो डायरेक्ट वहाँ पे पुट करेंगे
और जो इंटीग्रेशन यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो आएगा वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, जैसे कि यहाँ पे लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1 है, यहाँ पे दिया था 0 to 1, सो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे जो डब्ल्यू आई है वो क्या डालने हैं वो मैं बताता हूँ। तो वाई यहाँ पे जो निकाला था हमने पहले, सो उसको यहाँ पे लिख दिया मैंने वाई। सो वाई को क्या करना है, ये जो टर्म था सी टू और सी थ्री, तो ये जो है ये डब्ल्यू वन है और ये डब्ल्यू टू है, सो इसको एक बार लेंगे इंटू आर के साथ मल्टीप्लाई, और इसका इंटीग्रल जो है वो अपना आंसर रहेगा। इसको एक बार करेंगे तो एक वैल्यू मिलेगा आपको, एक इक्वेशन मिलेगा, एंड देन इसको सॉल्व करेंगे इसको भी एक इक्वेशन मिलेगा, एंड देन ये दोनों सॉल्व करेंगे तो आपको इसका वैल्यू मिलेगा सी टू और सी थ्री का। सो ये हो गया आपका गैलेरिकन मेथड। सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सो ये गैलेरिकन मेथड है। सो इसमें क्या करना है, ये जो ब्रैकेट है तो यहाँ पे लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट पुट कर दिया। अब यहाँ पे डब्ल्यू वन क्या है, माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आर। अभी आर क्या है, ये पूरा टर्म जो है ये पूरा आ जाएगा इंटू, तो ये पूरा लिख दिया मैंने आर डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो अभी क्या करना है, ये पूरा टर्म जो है ये अंदर जाएगा मल्टीप्लाई दिस दिस एंड दिस, तो ये पूरा मल्टीप्लाई होगा और जो मिलेगा आपको उसको इंटीग्रेट करना है। सो पहले इसको कर देते, तो मैंने ये लिख दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे दिस इंटू दिस सी टू बाहर ही है मल्टीप्लाई में ही है, प्लस सी थ्री दिस इंटू दिस प्लस सेवन इंटू दिस देन डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अभी यहाँ पे क्या होगा, ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके जो आता है वो एक ब्रैकेट आएगा छोटा, और ये भी ऐसे ही होगा अंदर मल्टीप्लाई होगा, और ये तो छोटा ही है, सो उसके बाद में इंटीग्रेट करेंगे। सो पहले ये छोटा कर देंगे, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया। सो अभी ये और स्मॉल हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है 7 + 2, ये हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा जो सेम पावर है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, तो उसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं नेक्स्ट स्टेप में। सो यहाँ तक हो गया, इसको मैंने सॉल्व कर दिया, ये इतना हो गया, ये इतना हो गया और ये इतना हो गया। सो अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। सो सी टू कॉन्स्टेंट वैसे ही रखता हूँ मैं बाहर, और यहाँ पे ये क्या होगा, माइनस सेवन वैसे ही रहेगा, इंटीग्रेट करूँगा एक्स को तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू 0 to 1 प्लस 9 एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स रेस टू एन का क्या रहेगा, एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, सो 0 to 1 लिमिट माइनस 2 एक्स रेस टू 4 अपॉन 4 0 to 1, तो हो गया सी टू, देन प्लस सी थ्री माइनस 17 एक्स रेस टू 3 अपॉन 3, ये भी 0 to 1 माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा सेम 0 to 1 लिमिट, प्लस 21 एक्स रेस टू 4 अपॉन 4 0 to 1 माइनस 3 एक्स रेस टू 5 अपॉन 5 0 to 1 लिमिट, एंड देन यहाँ पे क्या होगा, प्लस 7 जो है तो इसको भी मैं बाहर ही रख रहा हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इसका भी लिमिट 0 to 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 0 to 1 इक्वल टू 0, तो ये सब लिमिट्स डाल दिया। तो अभी इसको और क्या होगा, सिंप्लीफाई सी टू क्या होगा, यहाँ पे माइनस 7 वैसे ही रहेगा, अभी यहाँ पे अपर लिमिट 1 डालूँगा तो हाफ होगा, और 0 डालूँगा तो वो कुछ नहीं होगा, सो यहाँ पे सिंपली हाफ ले रहा हूँ, प्लस 9 अपॉन यहाँ पे 1/3, अंदर क्या होगा, अपर लिमिट 1 होगा माइनस लोअर लिमिट 0/3, सो 1/3 माइनस 0/3, सो यहाँ पे 1/3 आएगा, एंड देन माइनस 2/4, एंड देन सी थ्री यहाँ पे अपर लिमिट पुट करूँगा तो 1, सो 1/3, सो माइनस 17/3 माइनस 1/2 प्लस 21/4 माइनस 3/5 प्लस 7 माइनस 1/2 प्लस 1/3 इक्वल टू 0। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे और इसको सॉल्व, तो और सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। सो इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया,
तो सॉल्व करते हैं, मेरे को यहाँ पे इक्वेशन मिल गया। ये जो कांस्टेंट वाला था इसको मैंने वो साइड लेके गया क्योंकि हमको इक्वेशन चाहिए ना, सो इसके लिए ये जो कांस्टेंट ये साइड लेके आ गया और मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसा। तो इसको एक नंबरिंग दे दूंगा मैं, कुछ भी मैंने यहाँ पे नेमिंग दिया बी। सो क्योंकि आगे सॉल्व करना पड़ेगा अपन को। ये अभी सिर्फ हमको एक इक्वेशन मिला है C2 और C3 का वैल्यू निकालने के लिए। सो और एक इक्वेशन के लिए हमको वापस क्या करना पड़ेगा, W1 से हमने अभी किया ना, तो वैसे ही सेम W2 लेंगे, दैट इज़ दिस माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब यहाँ पर डालेंगे, सेम इंटू आर करेंगे, देन सेम स्टेप्स यहाँ पे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई होगा अंदर ही अंदर, फिर सिंप्लीफाई होगा, फिर उसके बाद में इंटीग्रेट होगा, देन सिंपली यहाँ पे अपर लिमिट तो 1 है, सो सिंपली जो है 1/2 जो भी है वैसे आएगा, माइनस यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यही वैल्यू आएगा कॉन्स्टेंट वाला, और उसको सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगा। सो मैं आगे स्किप करता हूँ थोड़ा सा। सो मैंने यहाँ पे सेम W2 लिया यहाँ पे, फिर इसको इंटीग्रेट किया दिस इंटू दिस आर, फिर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, यहाँ पे लिख दिया ये नेक्स्ट स्टेप में, फिर उसके बाद इसको अंदर से मल्टीप्लाई किया दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, देन दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर सेम स्टेप से फिर यहाँ पे जो सिंप्लीफाई हुआ उसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, और जो नहीं हुआ उसको वैसे रखा, फिर इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पे जो वैल्यूज़ आए उसको मैंने यहाँ पे लिखा, फिर उसके बाद मैं इसको और सिंप्लीफाई किया, और यहाँ पे ये इक्वेशन मिल गया मेरे को फाइनली। और ये जो कांस्टेंट था ये साइड में इक्वल टू 0 था, तो वो कांस्टेंट को मैंने वो साइड लेके गया, माइनस में था प्लस हो गया। सो यहाँ पे इक्वेशन मिल गया, तो इसको नेमिंग दे दिया सी। तो अभी यहाँ पे दो इक्वेशन मिल गए, C2 और C3 वैल्यू चाहिए दो अननोन्स के लिए, तो वो फाइंड आउट कर देंगे इक्वेशन में डाल के, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। सो कैलसी में जाएंगे, मोड 5 इक्वेशन, इक्वेशन हमको दो चाहिए, दो अननोन है, सो 1 डालेंगे। सो अभी यहाँ पे इसका जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, दैट इज C2 माइनस 1 एंड देन माइनस 1.51667 एंड देन इक्वल टू वहाँ पे क्या है 1.1667। सो हो गया फर्स्ट वाला, एंड देन सेकेंड। सो यहाँ पे सेकेंड जो है उसका वैल्यूज भी इनपुट कर दूंगा, माइनस 1.4833 माइनस 2.4 एंड देन 1.75। सो ये आ गया C2 का वैल्यू और ये C3 का वैल्यू। सो ये दोनों वैल्यूज निकल गए C2 और C3। सो ये आंसर हो गया। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज़ को y में पुट करेंगे। सो y जो था हमारा, y जो फाइनल y था जिसके बाद में हमने डिवाइड किया था, डेरिवेट किया था, फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव किया था। सो ये जो लास्ट y था इसको भी एक नंबरिंग दे देंगे। अब यहाँ पे लेट हुआ है तो यहाँ पे d नेमिंग दे दिया। सो ये जो है इसमें हम लोग C2 और C3 का वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वेशन मैं लिख देता हूँ वापस पीछे। सो वाई वाला इक्वेशन मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो अब इसमें क्या करेंगे, C2 और C3 का वैल्यू है तो वो पुट कर देंगे यहाँ पे। और उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था ना, यहाँ पे फाइनली फाइंड वाई व्हेन एक्स इज 0.3 एंड वाई व्हेन एक्स इज 0.6, तो उसके लिए काम आएगा। सो पहले ये मेथड में मैं ये कर देता हूँ। सो वाई इक्वल टू इसका जो वैल्यू आया उसको यहाँ पे डालेंगे इंटू दिस, प्लस इसका जो वैल्यू C3 का आया है उसको यहाँ पे इंटू दिस, प्लस यहाँ पे एक्स वैसे ही रहेगा प्लस 1। सो यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट कर दिया। अब यहाँ पे पहला क्या है, वाई व्हेन एक्स इक्वल टू 0। सो एक्स इक्वल टू 0.3 है तो वाई क्या रहेगा वो पूछा है। सो यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0.3 यहाँ पे पुट कर देंगे, जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे 0.3 पुट करेंगे, तो जो वैल्यू मिलेगा वो वाई रहेगा। सो वाई इक्वल टू बाकी सब कैल्सियम में डाल देंगे। सो ये पूरा जो भी मेरा था इसमें एक्स के जगह पे यहाँ पे 0.3 डाला और ये कैल्सियम में अपलोड कर दिया, तो यहाँ पे मेरे को वाई का वैल्यू मिल गया 1.53911। सो ये मिल गया वाई। सो वैसे ही हम लोग यहाँ पे व्हेन एक्स इक्वल टू 0.6 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई, सो ये भी निकालेंगे वापस से सेम। यहाँ पे एक्स जहाँ पे भी है तो वहाँ पे 0.6 डालेंगे वापस से और यहाँ पे वाई का वैल्यू मिल जाएगा। सो वापस कैल्सियम में डालेंगे। सो मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दिया 1.6, ये 0.6, तो वाई का वैल्यू आ गया 1.8825। सो इतना ही था फाइनल।
ये गैलरिकन मेथड हुआ। सो इसमें हमने किया क्या था, सिंपली क्वेश्चन था, इसको हमने क्या किया, पहले तो ऑर्डर देखा, क्वेश्चन में 2 है, पॉलिनोमियल 3 एन प्लस 1, पैरामीटर 4। सो यहाँ पे वाई इक्वल टू पॉलिनोमियल 3 था, एक्स 1 एक्स 2 एक्स 3 लिया, अगर 4 रहता तो एक्स 4 भी आ जाता, एक्स 5 भी आ जाता उसके अकॉर्डिंगली, पैरामीटर्स कॉन्स्टेंट 0 1 2 3, तो यहाँ पे लिया। सो यहाँ पे 4 था, 1 2 3 4। सो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या किया, बाउंड्री कंडीशंस दिया था, ये मेन है, इससे सॉल्व किया था। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 था तो y इक्वल टू 1 था, तो ये वैसे ही पुट किया हमने यहाँ पे, x की जगह पे 0, y की जगह पे 1, और सेम वैसे ही डाल के वापस से सॉल्व किया, तो हमको C0 मिला और C1 मिला, तो उसको वापस से y में पुट किया। सो y में पुट करने के बाद वापस हमको ये मिल गया y। सो इसको एक इक्वेशन मेंटेन करना है क्योंकि यही लास्ट में यूज़ होता है, और यहाँ पे से अब उनको C2 और C3 वैल्यू भी मिला था, कब, जहाँ पे आपको इंटीग्रेट करना था तभी, W1 और W2। फिर उसके बाद y मिल गया, उसके बाद मैं इसको डिफ्रेंशिएट किया एक बार, क्यों किया था, क्योंकि आपके क्वेश्चन में यहाँ पे dy/dx है और यहाँ पे डबल डेरिवेटिव भी है। सो यहाँ पे dy/dx किया पहले, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, तो ये दोनों का वैल्यूज़ मिल गया, उसको वापस से पुट किया रेसिड्यू में। सो r इक्वल टू यही क्वेश्चन में यहाँ पे पुट किया, सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, देन उसके बाद में यहाँ पे इंटीग्रेट किया इसके फॉर्मूले से, wir dx। सो r मिल गया था आपको रेसिड्यू, और wi क्या डालना था, y के जगह से यहाँ उठाना था, C2 का W1 था और ये W2 था, तो इसको लेके एक बार किया इंटीग्रेट और वैल्यू मिला, तो वो एक इक्वेशन हुआ, और इसको लेके इसके साथ इंटीग्रेट किया था r के साथ, तो वो एक इक्वेशन बना था आपका। सो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर था, बाकी सब ईजी है। सो ये मिला था आपको इक्वेशन 1, एंड देन W2 डाला था, वापस से इंटीग्रेट किया था r के साथ मल्टीप्लाई करके, सो एक इक्वेशन मिला था, एंड देन वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो C2 और C3 वैल्यू मिल गया, फिर उसको पुट किया हमने y में, तो उसके बाद में y में ऐसे इक्वेशन मिल गया। फिर उसके बाद में हमको क्वेश्चन में बोला था कि दिस इज द कंडीशन व्हेन x इक्वल टू 0.3 व्हाट विल द वैल्यू ऑफ y, एंड अनदर कंडीशन व्हेन x इक्वल टू 0.6 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। सो वो पुट करके हमको कैल्शियम में मिल गया था, तो इतना था। और पेट्रोगैलोकिन मेथड में क्या होता है, सेम स्टेप्स करना है, जैसे यहाँ पे y निकाला था, ये ऑर्डर पॉलिनोमियल पैरामीटर ये सब सेम रहेगा, और ये इक्वेशन बनेगा आपका, फिर उसके बाद में C0 C1 सब सेम रहेगा, r तक तो सेम निकालना है, उसके बाद इंटीग्रेशन जो आएगा यहाँ तक भी सेम है, फॉर्मूला r, तो ये क्वेश्चन ये जो है वो हो गया। W के जब क्या करना है, सो जो W है तो W1 और W2 आप क्या लेंगे, यहाँ पे कुछ भी एल्जेब्रिक ले सकते हैं, एग्जांपल x, एक्स स्क्वायर, एक्स का टर्म रहना चाहिए बस। सो एक बार x लेंगे, एक बार एक्स स्क्वायर ले लेंगे और सॉल्व करेंगे। सो क्या करेंगे, ये wr dx, सो इंटीग्रेट होगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और यहाँ पे r का टर्म जो बड़ा वाला था इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर उसके बाद सिंपली सिंपल है उसका इंटीग्रेशन करेंगे, 0 to 1 है आपका लिमिट, तो वो आ जाएगा, एक इक्वेशन बनेगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू आर डी एक्स इंटीग्रेशन 0 to 1, सिंपली इसको इसके मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, फिर वो एक इक्वेशन मिलेगा, फिर इधर से आपको C3 इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, C2 + C3 इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको C2 मिलेगा, C3 मिलेगा। फिर उसके बाद सेम स्टेप इसमें y में पुट करेंगे, एंड देन आपको ऐसे मिल जाएगा, फिर उसके बाद में ये कंडीशन वापस से आपको सॉल्व करना है, सो उसके बाद में वापस से आपको वैल्यूज़ मिलेगा। सो यही था पेट्रोगैलोकिन मेथड। सो क्वेश्चन आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, एक ही मेथड पूछा गया तो एक ही करो, और दो पूछा है तो दोनों में कर दो। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।